हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पल क्रिएशन। आज हम स्ट्रॉबेरी मूस बनाएंगे। स्ट्रॉबेरी मूस बनाने के लिए हम ये स्ट्रॉबेरीज कट कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज हमने धो के अच्छे से साफ कर ली है। ये स्ट्रॉबेरी हमने कट कर लिए हैं, ये हम पैन में डाल लेंगे। इसके साथ ही हमने ये 1/4 कप शुगर लिया है, ये भी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह पका लेंगे और इसे स्ट्रॉबेरी सॉस बना लेंगे। स्ट्रॉबेरी को हमने अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में निकाल के इसका प्योरे बना लेंगे। अब हम इसे छान लेंगे ताकि इससे जो सीड से वो सेपरेट हो जाए। स्ट्रॉबेरी सॉस बनकर तैयार है। एक बॉल लेंगे और उसमें हम ये चिल व्हिप क्रीम डालेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाल के इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। व्हिप हमें 3 से 4 मिनट तक करना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने जो स्ट्रॉबेरी का सॉस बनाया है, सिरप बनाया है, वो डालेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हम इसमें और 1 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे जो हमने बनाया है और वापस से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हम देखेंगे कि इसका देखो पिक भी अच्छे से आया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। पॉन बनाया है, अब हम इसमें ये स्ट्रॉबेरी का जो हमने सिरप बनाया है वो डाल लेंगे। क्रीम भी हम ज़िप्लॉक बैग में डाल लेंगे। ये हमने 4 ग्लासेस ले लिए हैं। अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप लगा लेंगे। ग्लास के अंदर हम व्हिप क्रीम पाइप कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी का डाल लेंगे।
वापस से हम व्हिप क्रीम डालेंगे। बराबर कर लेंगे। वापस से हम एक लेयर स्ट्रॉबेरी का डालेंगे। इसके ऊपर से थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डालेंगे। ऊपर से व्हिप क्रीम डालेंगे। इसे स्ट्रॉबेरी से गार्निश करेंगे। स्ट्रॉबेरी मूस बनकर तैयार है। स्ट्रॉबेरी मूस आप ठंडा सर्व करें, ये बहुत डिलीशियस लगता है।